8 अप्रैल 2024 को शाम 7:30 बजे से CSK और KKR के बीच में मैच है। दोनों ही टीमों के प्लेयर्स का प्रदर्शन कैसा होगा कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स आज के मैच के लिए क्या कहते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं KKR की टीम आर गुरबाज। 8 तारीख के मैच में आर गुरबाज का प्रदर्शन कैसा है चलिए देख लेते हैं कौन सा कार्ड आता है आर गुरबाज के लिए। देखिए कार्ड ने बहुत पॉजिटिव एनर्जी शो की है, बहुत ही अच्छी एनर्जी शो की है, बहुत बढ़िया पाथ दिखाई दे रहा है आर गुरबाज के लिए। तो हम कह सकते हैं कि उनका प्रदर्शन हमें देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। आर गुरबाज आज के मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हुए दिखाई देंगे। पी सॉल्ट वेरी गुड बहुत अच्छी एनर्जी है पी सॉल्ट की भी, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए हम इन्हें देख सकते हैं। रिंकू सिंह है, 8 तारीख के मैच में रिंकू सिंह का प्रदर्शन कैसा है। ओह माय गॉड, रिंकू सिंह के लिए तो नेगेटिव कार्ड आया है, तो या हम टोटली नेगेटिव नहीं कह सकते, पर हाँ हम ये कह सकते हैं कि जैसी उम्मीद की जाती है रिंकू सिंह से कि बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत फास्ट खेलते हैं, तो हो सकता है वो चीज़ आज देखने को ना मिले। मतलब जितनी बढ़िया वो प्रदर्शन करते हैं, जितनी बढ़िया उनकी परफॉर्मेंस रहती है, आज उससे थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी, थोड़ी सी लाइट रहेगी, तो एवरेज जैसी कंडीशन रिंकू सिंह की हम कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि क्या पता रिंकू सिंह जब खेलने आए तो बॉलर उनको बहुत जल्दी आउट कर दें, तो फिर उस कंडीशन में ये जो नेगेटिविटी शो हुई है वो क्लियर हो जाती है कि हाँ हो सकता है उनके हाथ से कोई कैच छूट जाए जो सामने वाली टीम के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो जाए, तो भी ये कार्ड नेगेटिविटी शो करता है उस प्लेयर के लिए कि उन्होंने कैच छोड़ दिया या जल्दी आउट हो गए या फिर फील्डिंग मिसफील्ड कुछ हो गया, तो ओवरऑल फिर वो इम्पैक्ट तो नेगेटिव ही पड़ता है ना मैच में, तो नेगेटिव एनर्जी शो हुई है। अब बाकी तो देखते हैं आगे। एस आई आर ओके एवरेज वी आई आर के लिए 8 तारीख के मैच में क्या कहते हैं कार्ड, कैसा रहेगा प्रदर्शन VIR एवरेज। एन राणा 8 तारीख के मैच में एन राणा नीतीश राणा का प्रदर्शन कैसा होगा। वेरी गुड बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा ये मैच को आगे लेके चलने की कोशिश करेंगे और अपनी टीम के लिए भी काफ़ी अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। रसल वेरी गुड। सुनील नारायण क्या इस बार भी प्ले ग्राउंड में नारायण होगा, चलिए देख लेते हैं 8 तारीख के मैच में एस नारायण के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। एस नारायण गुड, ही विल प्ले गुड। रमनदीप सिंह वाओ, अगर रमनदीप सिंह खेलते हैं तो कार्ड ने बहुत पॉजिटिव एनर्जी शो की है, बहुत ही अच्छी एनर्जी शो की है उनके लिए, काफ़ी ब्राइट एनर्जी है, हो सकता है बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिले यदि ये खेलें तो। ई रघुवंशी वेरी गुड ई रघुवंशी के लिए भी जो कार्ड आया है बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत ही बढ़िया, पूरा अपनी सब स्किल्स लगाते हुए और कहते हैं ना बहुत दिमाग लगा के खेलते हुए नजर आएंगे। ई सुधाकर रॉय एवरेज की एनर्जी है सुधाकर रॉय की। एम स्टार्क एवरेज। वरुण चक्रवर्ती गुड, ही विल प्ले गुड। एस शर्मा गुड। एच राणा
गुड। वी अरोड़ा, वी अरोड़ा, सॉरी, वी अरोड़ा के लिए 8 तारीख के मैच में टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं? वी अरोड़ा, गुड। देखिए यहाँ बॉलर्स की एनर्जी भी काफ़ी अच्छी आई है और बैट्समैन और ऑलराउंडर के लिए भी टैरो ने तो बहुत अच्छी एनर्जी शो की है। तो केकेआर की टीम के लिए टैरो कार्ड्स की तरफ से बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी हैं। बाकी तो देखेंगे कि मैदान पे क्या होता है, बाकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी हैं। आगे हम देख लेते हैं सीएसके की टीम के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। सीएसके के लिए 8 अप्रैल 2024 सीएसके की टीम के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। एमएस धोनी के लिए क्या कार्ड आता है 8 तारीख के लिए। ओ माय गॉड, देखिए कार्ड्स की एनर्जी ऐसी आई है बहुत, मतलब हम ये कह सकते हैं कि धोनी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं मैच की तरफ, जो उनको अवसर मिल रहे हैं उनकी तरफ। वो अपनी ही किसी और सोच में खोए बैठे हैं या किसी भ्रम में हैं। वो उनके आसपास जो ओरा बन गया है वो बहुत भ्रमित करने वाला ओरा बन गया है, जिसकी वजह से वो पूरा ध्यान उस चीज़ पे नहीं दे पा रहे हैं जहाँ उन्हें देना चाहिए। तो एक्चुअल में हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ओवरऑल ये एनर्जी बहुत ही मतलब कह सकते हैं ना, सो वाली एनर्जी है। व्यक्ति के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके पास स्किल है, ज्ञान है, अनुभव है और बहुत लोगों का प्यार भी है, सब चीज़ें हैं धोनी के पास में। लेकिन फिर भी जो कार्ड ने आज के लिए जो एनर्जी शो की है वो ये है कि वो किसी भी चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो अपनी ही किसी सोच में खोए हैं या किसी कारणवश, कुछ भी हो सकता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, वो थोड़ा सा शांति से बैठे हैं, उनको मतलब इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रही है चीज़ें। हम जैसे प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं धोनी जी से, हो सकता है वैसा प्रदर्शन देखने को ना मिले। तो सो एवरेज जैसी एनर्जी है, बहुत कुछ है लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आगे बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़, 8 तारीख के मैच में ऋतुराज गायकवाड़ का प्रदर्शन कैसा होगा। वेरी गुड, ही विल प्ले वेरी गुड, बहुत अच्छा। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं टीम के लिए, लोगों का बहुत प्यार है, बहुत अच्छी वाइब्स हैं, तो अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। डी मिशेल, मिशेल अगर खेलते हैं तो कार्ड्स क्या कहते हैं। गुड, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। एस दुबे, दुबे जी के लिए भी कार्ड की एनर्जी तो बहुत अच्छी है, अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। अजिंक्य रहाणे, वेरी गुड, ही विल प्ले वेरी गुड। आर जडेजा, गुड। आर रविंद्र, जडेजा की एनर्जी देखो थोड़ी सी स्ट्रगल वाली है बट बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है, गुड। आर रविंद्र, रविंद्र के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। गुड। एम अली, एम अली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एम अली के लिए तो लकी कार्ड है, इस मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को हमें मिल सकता है एम अली का। समीर रिजवी, रिजवी के लिए नेगेटिव कार्ड है, तो हो सकता है वो खेलें, हो सकता है वो ना भी खेलें, लेकिन कार्ड की एनर्जी उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। डी चहर, अगेन नेगेटिव। एम थिक्षाना, यदि एम थिक्षाना खेलते हैं तो कार्ड्स क्या कहते हैं थिक्षाना के लिए। गुड, हो सकता है विकेट ले लें क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी है, तो हो सकता है क्या अगर ये खेलेंगे तो विकेट लेंगे भी। तुषार पांडे, गुड। एम रहमान, मुस्तफिजुर रहमान, गुड। 2 विकेट तो इनके भी खाते में आ ही सकते हैं एम रहमान के। एम पथिराना,
पथिरान, हाँ एवरेज की एनर्जी है, सरेंडर एनर्जी है। हो सकता है ये खेलें, हो सकता है ये ना खेलें, पर यदि खेलेंगे तो एक दो विकेट तो इनके खाते में भी आ ही जाएंगे। एम चौधरी, वेरी गुड। यदि ये प्लेयर खेलते हैं तो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका देखने को मिल सकता है एम चौधरी का। कार्ड्स ने बहुत अच्छी एनर्जी शो की है, तो जो कार्ड्स ने एनर्जी प्लेयर्स के लिए शो की वही हमने आपसे शेयर की। बाकी तो डिपेंड करता है प्लेयर्स पे, उनको किस मूड के साथ खेलना है, कैसे खेलना है। थैंक यू।